हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं सोहन, स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल एसएम ब्लॉग ट्रेवलर्स में। तो आज माता वैष्णो देवी के दूसरे वीडियो में आपको स्वागत करता हूं कि अभी मैं फिलहाल पिछले वाले वीडियो में खत्म किया था कि जम्मू तवी स्टेशन पहुंचकर आगे का मैं, तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं आगे का व्यू कि आप जम्मू तवी स्टेशन से कटरा कैसे जा सकते हैं बस के थ्रू। तो वीडियो में बने रहे, और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं अभी बाहर और बस पकड़ते हैं, और क्या किराया रहता है और कटरा कैसे पहुंचते हैं वो सारी बातें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो लोगों में एक्साइटमेंट आप देख सकते हैं अलग लेवल का है, यहाँ आने के बाद एक्साइटमेंट कुछ अलग लेवल का हो जाता है हर किसी का। वो सारी थकान, वो ट्रेन की जर्नी, वो सारी थकान खत्म हो जाती है। और मौसम जब वेदर इस तरह हो ना तो बात ही क्या कहना। तो अभी फिलहाल हम चल रहे हैं स्टेशन से बाहर और बाहर का लुक देखते हैं। हवा काफ़ी अच्छी चल रही है, ठंडी। तो यहाँ फिलहाल मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ अभी कि अगर आप जैसे ही बाहर निकलोगे रेलवे स्टेशन से तो आपको यहाँ पर सिम के लिए पूछेंगे कि सिम कार्ड लेना है, और 100 रुपये वो लोग एक्स्ट्रा लेते हैं। बोलेंगे 100 रुपये का सिम है और 299 का रिचार्ज। ऐसा नहीं है, यहाँ 300 में आपको रिचार्ज कर सिम दे दिया जाता है। तो आप स्टेशन के बाहर से सिम ना लें, आप बाहर निकलें या आप कटरा में भी ले सकते हैं। तो अभी मैं नहीं लिया हूँ यहाँ पर सिम, कटरा जाकर मैं देखता हूँ सिम का, तो वहाँ पर लेंगे तो आपको अपडेट देता रहूँगा। फिलहाल मैं चल रहा हूँ बस के लिए और बस लेता हूँ। बाय द वे मैं अभी फिलहाल बस में बैठ गया हूँ, और हमारी जो बस है वो नॉन एसी है। ऐसे में एसी वाले बस में बैठने वाला था पर ये लोग यहाँ पर आपको ऐसे जबरदस्ती करके बैठाए कि आइए आइए आपको सीट देंगे, पर सीट देते नहीं है। तीन बोलकर दो ही लोग काम लोग को सीट दे रहे थे, पैसा तो 3 लोग का ले रहे थे। तो फिर उसे छोड़कर हम लोग नॉन एसी वाले अभी यहाँ पर जो खुलने वाली थी सबसे पहले, तो नॉन एसी वाली खुलने वाली थी सबसे पहले, तो इसमें अगर बैठ गए। इसका चार्ज 120 रुपये है और एसी वाले का आपको 150 रुपये चार्ज लगेगा, और टिकट आपको यहीं पर मिलेगा काउंटर में। कोई लोग काउंटर पर जाकर कटवाते हैं, कोई लोग बस वाले आपको खुद बुलाएंगे और आपको बैठा देंगे, आप पैसा लेने आपके पास आएंगे। तो यहाँ पर दोनों सुविधा, आप जाकर काउंटर पर टिकट कटवा भी सकते हो और बस में आकर बैठ जाओगे, यहाँ पर भी आपको टिकट मिल जाएगी। तो अभी आगे रास्ते का आपको व्यू मैं दिखाते चलूंगा और नज़ारे का मजा लेते चले आप लोग। जम्मू से लेकर कटरा तक का सफर काफी सुहाना होता है। बस में गाते बजाते माता के भजन गाते हुए कटरा की ओर प्रस्थान करती है। ज़्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ का वेदर इतना सुंदर लग रहा है देखने में ना, कुछ कह नहीं सकता, लफ्जों में बयां ही नहीं उसे कर सकते हैं। मैं रुका हूँ मैगी खाने के लिए। 50 रुपये प्लेट यहाँ पर मैगी का प्राइस है, और आपको मैं एक व्यू दिखा दे रहा हूँ बाड़ी का। तो हमारी सफर जम्मू में बारिश के साथ शुरू हुई थी, और रास्ते के नज़ारे इतने सुंदर हो गए थे कि जिसे लफ्ज़ों में बयां किया ही नहीं जा सकता। रास्ते में आपके बस बहुत सारे छोटे बड़े टनल से होकर गुजरती है, और इस खूबसूरती से आपकी यात्रा और भी खूबसूरत हो जाती है। जम्मू से कटरा की दूरी 48 किलोमीटर की पड़ती है, जिसे पूरे करने में 2 घंटे लग जाते हैं, और वो 2 घंटे का सफ़र पूरा कर मैं कटरा पहुंचने ही वाला था। तो फिलहाल हमारी बस कटरा आ गई है, और अब मैं पहले सोच रहा हूँ कि पहले मैं यात्रा पर्ची जाकर ले लूँ, क्योंकि बाद में जाऊँगा तो भीड़ काफ़ी हो जाएगा। तो पहले यात्रा पर्ची ले लेता हूँ, उसके बाद फिर रूम का डिसाइड करूँगा कि रूम कहाँ पर लेना है और कितने बजट में लेना है, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। तो पहले चलते हैं यात्रा पर्ची लेकर आते हैं। यात्रा पंजीकरण कक्ष, यानी यहीं पर आपको यात्रा कार्ड मिलेंगे। कार्ड
लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड का होना बहुत ही जरूरी है। यात्रा कार्ड मिल गई है। यात्रा कार्ड के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना आधार कार्ड लेकर जाना है। आपका आधार कार्ड वहाँ पर वो वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपको यात्रा कार्ड दे देंगे। पहले यात्रा पर्ची मिलता था, अब यात्रा कार्ड हो गया। आप इसे गले में लटकाकर आराम से यात्रा कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं यात्रा ट्रैकिंग पर, पहले चलते हैं, पहले रूम ले लेते हैं, फ्रेश हो लेते हैं, उसके बाद मैं यात्रा के लिए निकलूंगा। तो फिलहाल कटरा में मैंने अपना रूम ले लिया है और आपको मैं अपनी रूम का अपना टूर दे रहा हूँ। और मैंने कहाँ पर रूम लिया, कितने में लिया, वो भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। तो पहले चलते हैं, आपको मैं अपना रूम दिखा देता हूँ। तो ये है मेरा रूम और इसका मैं रेट भी बता दूंगा। इसमें मुझे क्या क्या दिया गया है, एक कूलर है यहाँ पर। और कटरा में कूलर इसे चलाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, पर आपको अगर गर्मी लगे, गर्मी तो लगेगा नहीं, तो आप चला सकते हो। टीवी है पुराने ज़माने का। और वाशरूम मैं आपको दिखा दूँ तो वाशरूम भी ठीक ठाक है। वाशरूम आप देख सकते हो, बेसिन लगा हुआ है, बाकी सब ठीक ठाक है, वाशरूम भी ठीक ही है। और एक ये रूम का लुक मुझे अच्छा ये लगा कि यहाँ पर बालकनी है जो आप बाहर के नज़ारे ले सकते हो। देख सकते हो सामने, अभी तो बादल से ढक चुका है, पर थोड़ी देर पहले बहुत अच्छा से मतलब क्लीन दिख रहा था वो पहाड़। और आप यहाँ पर चाय की चुस्की ले सकते हो, जैसे कि अभी देखो साइड में आपको दिख रहा होगा पहाड़, ये पूरा पहाड़ दिख रहा था, अभी बादल के कारण ढक गया है। तो मैं मॉर्निंग का व्यू जब साफ रहेगा तो आपको एक बार मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ऐसे मैंने यहाँ पर पिक्चर क्लिक करवाया, वो आप मेरे इंस्टा आईडी पर देख सकते हो, जाकर मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कर लो अब तक आपने मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो नहीं किया है। तो चलते हैं रूम के अंदर। इसमें आराम से दो लोग या तीन लोग भी आप आराम से रह लोगे। तो रूम अच्छा है, बेड भी अभी काफ़ी अच्छा है, मेरा सामान वहाँ पर लगेज वगैरह रखा हुआ है और सामने मिरर भी है खुद को देखने के लिए। तो अब बात कर ले रूम प्राइस की, तो ये रूम मुझे पड़ा है मात्र 500 का। आपको इससे सस्ते में भी रूम मिल जाएंगे, पर 500 यहाँ पर जनरली आपको अच्छे से अच्छे रूम मिल जाएंगे स्टे करने के लिए। मुझे यहाँ पर अभी ज़्यादा स्टे नहीं करना था क्योंकि मुझे अभी तुरंत ट्रैकिंग करनी है, मुझे बस फ्रेश होने के लिए यहाँ पर रूम लेना था। तो मैंने फ्रेश होने के लिए रूम लिया है, मात्र मुझे यहाँ पर 300 रुपये पे करने पड़े हैं, वो भी 3-4 घंटे के लिए सिर्फ फ्रेश होने के लिए। और मेरा लगेज वगैरह इसी रूम में यहाँ पर मतलब नीचे काउंटर पे रिसेप्शन पे रखने की आपको यहाँ पर मिल जाएगी। मतलब आप तो जाओगे ऊपर दर्शन करने के लिए तो ज़्यादा लगेज तो लेकर जा नहीं सकते, तो यहाँ पर इनका लॉकर का सुविधा है, आप लगेज रख कर यहाँ पर जा सकते हो। जब आप दर्शन कर आओगे तो यहाँ पर रूम अगर लेते हो तो आपको रूम मिल जाएगा यहाँ पर, इसलिए आपकी लगेज भी यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सुविधा मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने ये रूम लिया है। और अब मैं जाऊँगा ट्रैकिंग के लिए, तो उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में देखने को मिलेगी। तो आज का वीडियो यहाँ तक ही, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय माता दी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। नंबर चल रहा है और कैसे जाने का सामने आप माता का भवन देख सकते होंगे। पहले जो पर्ची मिलती थी गर्भजन में जाने के लिए, वो आपको तो वहाँ पर